रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा कौरमा। इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो, ये कैसे बनता है आपको दिखाते हैं। इसके लिए हमने जो से अज्जा लिए हैं वो हैं 5 से 6 अंडे। अंडे को हमने बॉयल कर लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्ची, 4 से 5 जो प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया और दही। सबसे पहले हमने ले लिए थे अंडे। अंडों को आप छोटी सी चीरा लगा लेंगे ताकि तमाम मसाले अंडों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। को हमने चीरा लगा लिया। अब हम लगाएंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्चें पिसी हुई, और इसको हाथ से अच्छी तरह, अंडों को हमने अच्छी तरह से मसाला लगा लिया और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद अब हम लेंगे 1 प्याली दही। दही में आपने डालना है 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्चें, 1/2 चम्मच सूखा हुआ धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसको चमचे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमारे तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, ये देखें ज़रा। इसको अब हम साइड पर रख देंगे। तेज की हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा ली है, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम अंडों को ब्राउन करेंगे। अंडे हमारे ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसमें हल्का सा ब्राउन कलर आ चुका है। इसके बाद फिर देज की चूल्हे के ऊपर चढ़ा लेंगे और घी गर्म हो चुका है। इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा। इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे ताकि जीरे की खुशबू घी में आ जाए। इसके बाद डालेंगे 4 अदद कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने के बाद डालेंगे प्याज। प्याज हमने लिए थे 4 से 5 अदद दरमियानी साइज के, और प्याज को अच्छी तरह से नरम कर लेंगे। प्याज हमारा हल्का सा नरम हो चुका है। इसी दौरान अब हम डालेंगे नमक। नमक आप हसब ज़ायका अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम डालेंगे अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट में शामिल हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम डालेंगे टमाटर। टमाटर का पेस्ट हमने लिया। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से भुना जा रहा है। इसी दौरान पानी का थोड़ा सा छिड़काव करेंगे ऐसे, और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे ताकि मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम डालेंगे दही। दही में हमने जो से मसाला जहाँ सांभल किए थे वो वाला दही है। दही डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दही मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम डालेंगे पानी, तकरीबन 1 प्याली पानी डाल के ऊपर ढक्कन लगा देंगे, उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक मसाला जात घी न छोड़ दें। आप देख सकते हैं मसाला जात ने घी छोड़ दिया है। इसी दौरान अब हम डालेंगे अंडे जो हमने बॉयल करके उनको मसाला लगा के रखा था।
चमचे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अंडे हमने मसाला गात में शामिल कर लिए थे, अब हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चमचे के साथ। कसूरी मेथी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, अब हम डालेंगे एक प्याली पानी। पानी आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितनी आपको ग्रेवी चाहिए डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी हम चेक करते हैं हमारा अंडा कौरमा कहाँ तक पहुँचा। माशाल्लाह, हमारा अंडा कौरमा बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। तमाम मसाला जात रहेगी अलग कर दिया आप देख सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। लें जी, अंडे कौरमे का मैंने डिश आउट कर लिया था, आप देख सकते हैं हमारा अंडा कौरमा बिल्कुल अब खाने के लिए रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।